Okay, so let's start with next question. An object is falling freely under gravitational force. पहले तो free fall क्या होता है वो समझा देता हूँ. Free fall मतलब एक object है उसको मैंने छोड़ दिया. It is coming down without any air resistance. यहाँ पे air resistance भी नहीं है, उसको बोलते हैं free fall. Okay, so an object is falling freely under the gravitational force. Its velocity after traveling a distance h is v. तो अगर ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया था तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसका स्पीड है v, ऐसा बोला है. इफ v डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, तो v जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू g एंड डिस्टेंस h. And distance h, prove that with the help of dimensional analysis that v is equal to k root of g h. अगर आपको याद है हमने dimensional analysis में pendulum का case लिया था, हमने ये prove किया था कि time period of pendulum is k root of l by g, ऐसा equation हमने prove किया था. तो similarly हमको अब velocity के लिए भी prove करना है वैसा का वैसा. Okay, so there are two methods of doing the same question. मैं दोनों बता देता हूँ आपको. So method number one में आप बोल सकते हो left hand side is equal to v, क्योंकि left hand side पे velocity है. Velocity के dimensions जो है that is आपको पता है already L1 t minus 1. तो velocity के dimensions आपको already पता होते हैं. राइट हैंड साइड इज के अंडर रूट ऑफ जी एच. जब आप इसके डायमेंशन लोगे तो के जो है ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, तो आप डायमेंशन लोगे जी का और एच का. तो कैसे करते हो, जी रेस टू हाफ, क्योंकि रूट मतलब रेस टू हाफ होता है, एच रेस टू हाफ. G मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन के डायमेंशन आते हैं L1 t minus 2 raise to half, और H मतलब length raise to 1 raise to half. Okay? तो ये आपके पास आ जाएगा L raise to half t raise to minus 2. देखो कभी भी क्या होता है, t का पावर माइनस टू है, उसके पावर में वापस हाफ है, तो ये आता है t raise to minus 2 by 2, मतलब t raise to minus 1. तो मैंने वही लिखा है वहां पे, एंड दिस इज अगेन एल रेस टू हाफ. तो आपके पास ये आ गया एल रेस टू हाफ प्लस हाफ, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन होता है, और टी रेस टू माइनस वन. हाफ प्लस हाफ इज वन, तो एल वन टी माइनस वन. तो देखो आप, देयरफॉर LHS के dimensions और right और RHS के dimensions same है, therefore dimensions of left hand side is equal to dimensions of right hand side, therefore V is equal to K root of GH. हो गया proof. ये method number one है. Okay, method number two भी बताता हूँ मैं आपको. L के power half कैसे आए, G, what is G? G is acceleration due to gravity. अब acceleration produce करने के अलग अलग तरीके होते हैं. जैसे मैंने एक object को छोड़ दिया तो it is falling because of gravitational force. तो initially तो उसका speed zero था, velocity zero था. जैसे उसको release किया है, velocity बढ़ते जा रहा है, मतलब acceleration है. तो यहाँ पे acceleration क्यों है, because of gravity है, तो G से denote करते हैं. Right? तो G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. अब G के पावर में क्या है यहाँ पे, हाफ. ये हाफ कहाँ से आया, ये रूट से आया. राइट, H के पावर में क्या है, हाफ. गुड, तो G मतलब एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, L1 t minus 2. इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने एक्सेलरेशन के डायमेंशन निकाले थे L1 t minus 2, उसके पावर में हाफ है. Right? फिर h क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ रेज टू वन, और उसके पावर में क्या है, हाफ. तो ये l रेज टू हाफ,
फिर टी रेस टू माइनस टू रेस टू हाफ, फिर ये एल रेस टू वापस हाफ, तो एल रेस टू हाफ, एल रेस टू हाफ दो बार, तो बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा एल रेस टू हाफ प्लस हाफ, और टी रेस टू माइनस टू बाई टू था तो कैंसल हो गया, तो टी रेस टू माइनस वन बचा। ओके, तो एल वन टी माइनस वन ऐसा आ गया। दिस इज दिस आर डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की भी तो वही डायमेंशंस है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बोला ही है वेलोसिटी है, तो यू हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम डायमेंशंस, मतलब इक्वेशन इज करेक्ट। ये मेथड नंबर वन है। मेथड नंबर टू, लेट वी इज प्रोपोर्शनल टू जी रेस टू एक्स एंड एच रेस टू वाई, राइट। ये हमने पहले भी किया है क्योंकि हमको बोला है कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, जी पे और एच पे, तो कैसे डिपेंड करता नहीं पता ना, हमको पता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, प्लस थ्री है, नहीं पता हमको, तो जी रेस टू एक्स। वेलोसिटी डिपेंड किस पे करता है, h, हमको पता है कि h रेस टू वन है, हाफ है, माइनस हाफ है, प्लस हाफ है, नहीं पता है, तो इसलिए हमने जनरली बोल दिया g इज प्रोपोर्शनल टू v इज प्रोपोर्शनल टू g रेस टू x h रेस टू y। Therefore, you can say V is equal to some constant of proportionality K G raised to X H raised to Y। फिर आप बोलोगे कि दोनों sides पे quantities का dimension लो, तो left hand side पे velocity का dimension लो, K proportionality constant है, dimension less है, तो K के dimensions आएंगे नहीं, फिर G raised to X H raised to Y। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, एल वन टी माइनस वन, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं, एल वन टी माइनस टू यहाँ पे रेस टू एक्स, और एच इज लेंथ रेस टू वन रेस टू वाई, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे यू विल गेट दिस एज एल वन टी माइनस वन इक्वल टू एल रेस टू एक्स टी रेस टू माइनस टू एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में जो था वो था एल रेस टू वाई, तो यू विल हैव देयरफॉर एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन इक्वल टू एल रेस टू एक्स प्लस वाई टी रेस टू माइनस टू एक्स। फिर आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, लेंथ के जो यहाँ पे पावर है और लेंथ का जो यहाँ पे पावर है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, टाइम का जो यहाँ पे पावर है और यहाँ पे पावर है ये इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यू विल हैव एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एंड माइनस वन इक्वल टू माइनस टू एक्स, मतलब एक्स इक्वल टू बेसिकली मिल गया हाफ, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू हाफ डाल दोगे, हाफ प्लस वाई इक्वल टू वन, देयरफॉर वाई इक्वल टू वन माइनस हाफ, देयरफॉर वाई इक्वल टू हाफ। अब एक्स और वाई की वैल्यू हाफ हाफ इस इक्वेशन नंबर वन में डालोगे। ओके, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स and y equal to half in equation 1. Therefore, you will have v equal to k, g raised to half, h raised to half. So, g h whole raised to half, or half matlab root, square root of g h, hence proved. So, ye dono methods se aap prove kar sakte ho. You can use both methods. Both of these methods are equally good. मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। So, देखो ऐसा है कि डायमेंशनल एनालिसिस से आपको अगर कुछ प्रूव करना है तो दो मेथड है, एक लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन अलग से निकाल लो, राइट हैंड साइड के डायमेंशन अलग से निकाल लो, एंड शो दैट कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के है वो डायमेंशन राइट हैंड साइड के है, मतलब इक्वेशन करेक्ट है, दिस इज वन। दूसरा, अगर आपको बोला है कि वेलोसिटी जी और एच पे डिपेंड करता है तो बोलना वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जी रेस टू एक्स एच रेस टू वाई, फिर एक कांस्टेंट ले लेना डायमेंशनलेस कांस्टेंट,
फिर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड पे जितने भी क्वांटिटीज है उसके डायमेंशन लिखो, ओके, सिंप्लीफाई करो. देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेंथ का पावर 1 है तो राइट हैंड साइड में लेंथ का जो भी पावर होगा शुड बी इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1 ऐसा आना चाहिए. फिर इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिल जाएगी. ये x और y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. P equal to AT plus B upon T plus C plus V0 is a dimensionally valid equation. मतलब आपको बोला गया है ये जो equation है velocity V equal to AT plus B upon T plus C plus V0, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है. मतलब हर एक टर्म के डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन आएंगे ऐसा बोला है. ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी, ओके, वेयर वी इज वेलोसिटी, टी इज टाइम एंड वी जीरो इज इनिशियल वेलोसिटी. ओके, अब सबसे पहले दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी सिंपल. इनिशियल फेजेस में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है हम लोगों को, लेकिन बहुत सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि आप दो क्वांटिटीज को ऐड कब कर सकते हो, जब दोनों सेम टाइप के क्वांटिटीज हो, मतलब दोनों टाइम हो, दोनों डिस्टेंस हो, दोनों स्पीड हो, तभी हम ऐड कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. सो टू स्टार्ट ऑफ विथ, we know that we can add two quantities in physics if and only if, the IFF मतलब if and only if होता है, if and only if both has same dimensions. तो इसका मतलब therefore नीचे देखो, यहां पे आपने क्या किया है, t plus c, time में c add किया है, मतलब c के dimensions और time के dimensions equal होने चाहिए, और time के dimensions मतलब t raised to 1, बाकी सब जीरो, m रेस टू जीरो, m रेस टू जीरो, l रेस टू जीरो, t रेस टू वन. तो देखो c के डायमेंशन है क्या, l जीरो, m जीरो, t वन, करेक्ट, सिंपल. ओके, ऑल्सो नंबर टू, ऑल्सो ऑल द टर्म्स इन अ गिवन इक्वेशन must have same dimensions. Must have same dimensions. तो आपके पास जितने भी terms है, जैसे यहाँ पे ये एक term है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, सारे के सारे dimensions, सारे के सारे terms के dimensions same होने चाहिए, right? करेक्ट. इसका मतलब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी बोला ही है कि वो वेलोसिटी है, बोला ही है उन्होंने, देयरफॉर यू कैन से वेलोसिटी के डायमेंशंस और बी अपॉन टी प्लस सी के डायमेंशंस सेम होने चाहिए, क्योंकि हर एक टर्म के डायमेंशंस सेम होने चाहिए, तो वी और बी अपॉन टी प्लस सी इसके डायमेंशन सेम होने चाहिए, राइट. देयरफॉर यू कैन से वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, L1, T minus 1. B के dimensions तो find करने हैं, और मैंने जैसे आपको बताया नीचे का जो ये denominator है ये time है, हमने ऊपर भी लिखा है ये time है, okay? तो T plus C is what? Time. तो मैं दो बार नहीं लिखूंगा, I will not write down T raised to 1 plus T raised to 1, क्योंकि time plus time is time.
एक ही बार टी रेज टू वन लिखोगे। ये याद रखना कि डायमेंशनल एनालिसिस में अगर आपके पास 10 टर्म्स भी है ना, सबके डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशन एक ही बार लिखा जाता है। अगर मेरे पास 10 टर्म्स है, T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 up to T10, तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा T raise to 1 plus T raise to 1 plus T raise to 1, मैं एक ही बार लिखूंगा T raise to 1, क्योंकि क्या होता है, मैं ये जो टाइम इंस्टेंस है T1, T2, T3, इन सबको ऐड करूंगा तो वापस टाइम ही मिलेगा ना मुझे। That is why I will just write T raise to 1 only once. So therefore, dimensions of B will be equal to L1 T minus 1, और इसको सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट करके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स इट, टी रेस टू वन। फिर आप बोलोगे एल रेस टू वन, यहाँ पे टी माइनस वन और प्लस वन, क्योंकि दो बार आपके पास टी है बेस में, पावर का एडिशन होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा L1 टी रेस टू जीरो। तो L1 टी जीरो एम जीरो ऐसा आएगा आपके पास। डायमेंशन ऑफ बी आर दैट ऑफ लेंथ है क्या, L raised to 1, yes, M0, T0, correct है, B के dimensions. Actually, सारे चीज़ें oral है, but because you are in the initial phase, you are in the starting phase, इसलिए मैं आपको पूरा ऐसा करके बता रहा हूँ, equation देख के समझ में आता है, कैसे बता देता हूँ, मैंने आपको बताया, velocity is distance upon time, time में तो time ही add होगा, तो C मतलब time है, क्योंकि टाइम में टाइम ऐड होगा, और वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिनोमिनेटर में टाइम है तो ऊपर डिस्टेंस ही होगा, डिस्टेंस क्या होता है, एल रेज टू वन है क्या, एल रेज टू वन, यस, इजी। अभी आखिरी चीज हमें फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ ए, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a into t, हमको वैसे पता ही है a is acceleration, लेकिन ठीक है हम कर लेते हैं। So dimensions of velocity is equal to dimensions of a into dimensions of t. Therefore dimensions of a acceleration, which is acceleration in fact, dimensions of velocity upon dimensions of time. Dimensions of velocity is L1 t minus 1 और नीचे वापस से T1 है। Okay, therefore you have acceleration as a t raised to 1 upar jayega, so L1 t minus 1, wapis t minus 1, so ye aa jayega L1 t minus 2, aur m nahi hai to m raised to 0, to yahi aayega, dekh lo, L1 t minus 2 aur m 0 aa gaya aapke paas a ka bhi dimension. तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, आपको हर एक टर्म लो, हर एक टर्म के डायमेंशंस इक्वल टू द टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस मतलब at के डायमेंशंस मतलब b अपॉन t प्लस c के डायमेंशंस, बस यही करना है आपको। तो क्वेश्चन वाज रियली रियली सिंपल, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके गुड, सो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, यहां पे थोड़ा सा यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल हियर। ओके, सो द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर, 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले लेट मी ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ, दिस इज लेंथ ऑफ द शीट, breadth, this is the breadth of the sheet, and thickness, length, breadth and thickness. So just a minute, yeah, this is thickness of the sheet.
Okay. तो ऐसा आपके पास एक शीट है समथिंग लाइक दिस, ठीक है. सो नाउ दिस इज द शीट दैट यू हैव. दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज थिकनेस T. Okay, so length, breadth and thickness T. Right? अब आपको दिया क्या है, आपको बोला है given parameters में, you have been told length is 4.324 meter, breadth is 1.005 meter and thickness is 2.01 centimeter. Okay. So my suggestion is, सबसे पहले यहां पे आप क्या करो, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट द आंसर है ना अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो हर बार आप जब फिजिकल पैरामीटर लिखते हो उसका सिग्निफिकेंट फिगर लिखते जाओ. तो ऑलवेज राइट इट डाउन तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड यू ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं. ओके, तो यहाँ पे चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि चारों के चारों नॉन जीरो नंबर है. यहाँ पे भी चार सिग्निफिकेंट फिगर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नॉन जीरो है और जो दो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में है. रूल्स याद रखना. तो चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसको मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू बी केयरफुल हियर. तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लाइक दिस. तो आप जब 10^-2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 0.0201 मीटर. ओके, 0.0201 मीटर. अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यू हैव टू बी श्योर अबाउट दिस. तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे. क्यों? टू और वन ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये नॉन जीरो है, करेक्ट. और ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में आया इसलिए सिग्निफिकेंट है. और ऑल द लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट बाय रूल है ये. ओके, सो यू हैव थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स हियर इन दिस केस, राइट. गुड, अब इतना पता लग गया. अब हमको फाइंड क्या करना है वो देखते हैं. हमको फाइंड करना है नंबर वन एरिया, नंबर टू यू सपोज टू फाइंड आउट वॉल्यूम. अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया. व्हाट इज एरिया? एरिया मतलब सिर्फ सरफेस, मतलब ये ऊपर का सरफेस, ये नीचे का सरफेस, ये साइड का सरफेस, उस साइड का सरफेस, फ्रंट का ये जो थिकनेस है उसका सरफेस, ये सारा आपको फाइंड करना है. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट एरिया. तो एरिया ऑफ शीट, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. एरिया ऑफ शीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए टू टाइम्स ऑफ, दिस इज समथिंग यू शुड नो. ओके, टू टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू थिकनेस प्लस थिकनेस इनटू लेंथ, ये फॉर्मूला होता है. सो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू थिकनेस प्लस थिकनेस इनटू लेंथ. तो एरिया इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ लेंथ. चलो हम सॉल्व करेंगे बाद में, पहले फॉर्मल लिख देते हैं. सेकंड, हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम? वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस. ओके, वॉल्यूम का आ गया सॉल्यूशन. फर्स्ट ए इज एरिया, टू इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस प्लस थिकनेस इनटू लेंथ. तो ये आप करोगे टू इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ. व्हाट इज लेंथ? 4.324
What is breadth? 1.005 plus what is breadth? 1.005. Okay. Into thickness is 0.0201 plus. Okay. So अब what I will do is मैं आपको एक छोटा सा assignment दूंगा for today. I want you to do this with the help of log table. इसलिए मैंने सैटरडे के दिन लॉग का लेक्चर लिया था. तो लॉग टेबल के थ्रू कैसे करोगे? सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यू विल हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. ओके, तो लॉग आपको निकालना पड़ेगा. तो कैसे करोगे? लेंथ इनटू ब्रेथ का लॉग कैसे निकालोगे? लॉग ऑफ एल इनटू बी इज लॉग ऑफ एल प्लस लॉग ऑफ बी. ओके, वैसे ही ब्रेथ इनटू थिकनेस का भी वैसे ही करोगे. फिर पूरा नंबर मिलने के बाद लेंथ का लॉग ब्रेथ का लॉग ऐड करो. ओके, ये सब मिलने के बाद अल्टीमेटली यू विल फाइंड एंटी लॉग. तो दैट इज असाइनमेंट फॉर यू. कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल इज असाइनमेंट फॉर यू. मैं डायरेक्ट करके देने वाला हूँ. So I am going to tell you solution directly, but you are supposed to do it with the help of log books. Okay, thickness into length. Thickness कितना है? 0.0201. Length कितना है आपके पास? 4.324. Okay, तो आप जब इसको पूरी तरीके से solve करोगे, completely solve करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर तीनों टर्म्स को ऐड करोगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे. आफ्टर डूइंग ऑल दिस यू विल गेट 8.71752 मीटर स्क्वायर. राइट, अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है. मैं थोड़ा स्लो डाउन कर देता हूं. रेक्टेंगुलर शीट का एरिया का और वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए. एरिया का फॉर्मूला अगर आपको पता है, 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू थिकनेस प्लस थिकनेस इनटू लेंथ. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, मल्टीप्लाई, एड एंड यू हैव दिस रिजल्ट. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट था अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर. अब जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मान लो अज्यूम मेरे पास एक मेजरमेंट है ए, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3. मेरे पास एक मेजरमेंट है बी, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4. मेरे पास एक मेजरमेंट है सी, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4. तो जब मैं ए बी और सी को या तो ऐड करता हूं या मैं मल्टीप्लाई करता हूं. इफ आई एड और मल्टीप्लाई, जो भी मैंने किया, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मुझे एक नंबर मिलेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर मिल गया 8.71752. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं. अब ये जो फाइनल कैलकुलेशन है, इस फाइनल कैलकुलेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने चाहिए? तो मिनिमम नंबर जो होगा वो, जैसे ए में 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, बी में 4 थे, सी में 4 थे, आप इन 3 क्वांटिटीज ए बी एंड सी को ऐड या मल्टीप्लाई करके एक नया ही क्वांटिटी बना रहे हो, जैसे एरिया हमारे केस में. तो एरिया में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? मिनिमम ऑफ द 3. तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे? थिकनेस के केस में थे, कितने थे? 3. तो हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेशन आया है, इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे. मतलब हमको 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर अलाउड है लेना. यू कैन नॉट टेक मोर देन 3. क्यों? क्योंकि मिनिमम यहाँ पे 3 है. ऐसा भी हो सकता था कि ए में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ए में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ए बी और सी में मिनिमम कितने हैं? 4. तो फिर मैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर लूंगा आंसर में. ओके, आई विल टेल यू दिस थिंग अगेन विथ वन मोर एग्जाम्पल. लेट अस से हमारे पास एक नंबर है ए. फॉर एग्जाम्पल
इसमें टोटल तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, मेरे पास एक नंबर है बी, इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर है, मैं ए और बी को मल्टीप्लाई या फिर ऐड कर रहा हूं तो मुझे नया नंबर मिलेगा दोनों केस में। तो क्योंकि ए में तीन सिग्निफिकेंट फिगर थे, बी में चार थे, तो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि मैं ऐड या मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो फाइनल आंसर है उसमें तीन लेने हैं कि चार लेने हैं, हम बोलते हैं मिनिमम लेना है, मिनिमम तीन है, राइट। तो सेम लॉजिक अप्लाइज हियर, लेंथ में ब्रेथ में चार चार थे, थिकनेस में तीन थे, तो अब आप एरिया फाइंड कर रहे हो, एरिया में आपने लेंथ भी यूज किया, ब्रेथ भी यूज किया, थिकनेस भी यूज किया, तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यू हैव टू टेक दैट इज थ्री। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, अगर मुझे तीन सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं तो मुझे आगे के जो नंबर्स है उसको निग्लेक्ट करना है, लेकिन निग्लेक्ट राउंडिंग ऑफ के बिना नहीं करते। तो राउंडिंग ऑफ का रूल क्या है, अगर नंबर ऐसा आए 8.715, 5 या 5 से बड़ा नंबर, क्योंकि मुझे निग्लेक्ट कहां से करना चालू करना है, यहां से, राइट। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो उससे पहले वाले नंबर को आप प्लस 1 करोगे। तो जैसे यहाँ पे 8.717 था, 7 ग्रेटर देन 5 है, यस, तो उसका अगला नंबर 1, उससे पहले वाला नंबर 1, इसमें प्लस 1 करोगे, इसको 0.72 बोल दोगे, राइट। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 4 है, ओके, 4, 5, 2 ऐसा है, तो फिर डायरेक्टली ही इसको निग्लेक्ट कर दो। तो यू हैव टू, when talking about answer to a correct significant figure, always make sure कि rounding off करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 8.72 meter square, क्यों, क्योंकि 7 it was greater than 5, तो उससे पहले का number 1, उसमें 1 add किया जाएगा, तो that is how you get, so 8.72 is the correct answer, so this is correct up to 3 significant digits, राइट। तो टेक्सटबुक का आंसर जो है वो गलत प्रिंटेड है, सो इट इज नॉट राइट, रॉन्ग, ओके। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो व्हेन टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम का केस ज्यादा इजी है, क्योंकि वॉल्यूम में सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस है, सो वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, सो वॉल्यूम में लेंथ क्या था, 4 पॉइंट समथिंग 4.324 इनटू ब्रेड क्या था 1.005, थिकनेस कितना था 0.0201, ओके। तो ये आपका आएगा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दिस you will get 0.0, if I am not wrong, 856, ऐसा आएगा, है क्या, yes, 0.0856 meter cube। तो यहाँ पे देखो, हमने तीन significant digits लिए, three significant digits, all non-zeros significant, all leading zeros non-significant, so this is how you get, so this is what you should be knowing। तो जब आप अलग अलग क्वांटिटीज को एड या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई डिविजन इज सेम, एडिशन सब्ट्रैक्शन इज सेम, तो इन दैट केस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टू बी टेकन द मिनिमम, तीन क्वांटिटी, दो क्वांटिटी का जो मिनिमम होगा वो डन। ये सारा का सारा आपने लॉग टेबल के साथ करना है, दिस इज द रिक्वेस्ट, बिकॉज ये सारे कैलकुलेशंस I have done with the help of calculator, but you can also do it with the help of log tables. So log tables ka use karke karo aap. Next question: If the length of cylinder is L, to given quantities mein humko length of cylinder L diya hai 4.00 with error, of course, error in the measurement of length is 0.001 centimeter. आपको मैंने पहले ही बताया है, ऐसा लिखते हैं मतलब ये मीन वैल्यू है और ये उसमें एरर है, ओके। रेडियस का एरर
रेडियस की वैल्यू 0.0250 सेंटीमीटर अलोंग विद द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस. सिमिलरली मास इज 6.25 अलोंग विद एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास विच इज 0.01 ग्राम. Calculate the percentage error in the determination of density. So, आपको find करने के लिए बोला है percentage error, मतलब delta rho by rho multiplied by 100. ये पूछा है. Density मैंने बताया था mass per unit volume, mass upon volume होता है. तो formula आपको पता होना चाहिए. You should know density is mass upon volume. Mass अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया इनटू लेंथ. सिलेंडर क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन सिलेंडर. सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, एरिया ए और लेंथ एल. तो व्हाट इज एरिया? ए इज पाई आर स्क्वायर एल. तो सबसे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट डेल्टा रो बाय रो इनटू 100. मैंने बताया था मास में एरर है. तो इफ यू रिमेम्बर प्रोपोगेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला, आप क्या करोगे? डेल्टा एम बाय एम प्लस पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो एरर होता नहीं है. आर रेज टू टू, मैंने बताया था r रेज टू टू न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, तो टू टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा l बाय l इनटू 100. क्योंकि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है, इसलिए आपको परसेंटेज एरर पूछा है, दैट्स व्हाई. सो यू डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करो, मल्टीप्लाई बाय 100. तो सीधा सीधा यहीं से स्टार्ट करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली. नाउ डू वी हैव डेल्टा एम? यस. डेल्टा एम कितना? 0.01 अपॉन मास कितना? 6.25 प्लस टू टाइम्स ऑफ डेल्टा आर. डेल्टा आर कितना? 0.001. अच्छा, ये सब 0.001 है, 0.001 है, दिस इज 001, नो इश्यूज. 0.001 अपॉन आर कितना? 0.0250 प्लस एम हो गया मास में एरर. मास में एरर थोड़ा कम है, एक ऑर्डर से कम है, दैट इज ओके, करेक्ट, दैट इज ओके. लेंथ में एरर 0.001 है अपॉन 4.00 मल्टीप्लाइड बाय 100. दैट्स इट. अभी बाकी का पार्ट तो वापस कैलकुलेशंस का ही है. सो द रिमेनिंग पार्ट इज जस्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. तो अभी आपको ये सब सॉल्व करना है. रेसिप्रोकल टेबल, रेसिप्रोकल टेबल लेना है, 6.25 का रेसिप्रोकल निकालना है, सो ऑन सो फोर्थ. सो यू हैव टू सॉल्व दिस, राइट? तो सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा, पर मैं बता देता हूँ जो मैंने कैलकुलेशंस करके रखे हैं. दिस वन इज 0.0016 प्लस ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद 0.08 आता है, प्लस ये जो लास्ट फैक्टर है डेल्टा एल बाय एल, ये आपके पास आता है 0.00025 मल्टीप्लाइड बाय 100 आउटसाइड है ही. इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करने के बाद आता है 0.08185 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब आपको 8.185 परसेंटेज एरर मिलने वाला है. आ गया 8.185 परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. तो दिस इज हाउ you are supposed to solve this particular question. Okay, तो questions को solve करने के लिए basic formulas पता होने चाहिए. अगर आपको basic formulas पता है then you will be able to solve. अगर आपको नहीं पता है तो it is difficult for you to solve. तो combination of errors का जो हमने पूरा एक topic लिया था
एज आई टोल्ड यू कि वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको JEE जिस दिन तक आप JEE नीट CET एग्जाम जिस दिन तक आप नहीं देते तब तक आपको लगने वाला है. सो यू आर गोइंग टू नीड दैट दोज फॉर्मूलाज. पूरा मैंने टेबल बना के दिया था कौन सा फॉर्मूला उसमें एरर कितना. तो यू शुड रिमेम्बर दोज थिंग्स, आपको पता होना चाहिए वो. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल यू नीड टू नो, आपको पता होना चाहिए इतना. नाउ वी आर लेफ्ट विद फोर मोर क्वेश्चंस. सो वी विल डू दोज फोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट lecture, that is tomorrow. So we are going to stop for now.